मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छे तरीके से ना ये पठाले लग जाएंगे। सबसे ज्यादा मुश्किल है इतने जो बड़े बड़े पत्थर है ना, इनको यहाँ तक पहुँचाना। और 3 दिनों की मेहनत, अब जाके ये पूरा काम कंप्लीट हुआ है। अगर अपने साग सगोड़े पे अगर खूब सारी मेहनत करो ना, तो कुछ इस टाइप से सब्जियां हैं वो मिल जाती हैं। बहुत टाइम बाद जो गुड़ वाली चाहिए वो पीने के लिए मिल रही है। पहाड़ों में जैसे ही शाम हो जाती है ना, मस्त करके बिल्कुल सुनसान सा माहौल बना हुआ है। तो चलिए एक और ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है सुजा नेगी, स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर से और मेरे इस गांव से और चोपता वैली के इस धुंध भरे माहौल से। पूरी चोपता वैली में बहुत भयंकर धुंध लगी पड़ी है, धूप यहाँ पहुँच चुकी है, बाकी छोटू भी यहाँ पे लगा हुआ है झूला वगैरह खेलने पे। वैसे जब बाबा तुंगनाथ के कपाट वगैरह खुलते हैं या मतलब कहीं के भी कपाट खुलते हैं, तो उस टाइम पे न्योनाज की पूजा वगैरह होती है, जो नया अनाज होता है ना उसकी पूजा होती है। तो अभी सुबह को पूजा हो गई। अब ये लगभग इसकी जो लंबाई होगी ना, ये लगभग 18-20 फीट हो गया है सामने से यहाँ तक। अभी सुबह के करीब 9 बज चुका है और अपना जो पठाल वगैरह लगाने का जो काम था ना वो ऑलमोस्ट पूरा निपट चुका है। सामने से यहाँ तक पठाले वगैरह लगा दी हैं, ये कुछ इस टाइप से लगाई है। अब बारी है यहाँ से यहाँ तक थोड़ा ऊंची दीवार देने की, क्योंकि जो बाहर जो चौक है वो यहाँ पे है और यहाँ पे थोड़ा ऊँचा ऊँचा एक दीवार टाइप का दे देते हैं, ताकि जो गाय वगैरह हो ना वो इधर ना आए। तो चलो अब इस काम पे लगते हैं। पहले यहाँ पे नीचे ना काफ़ी गहरा थोड़ा खुदाई करनी होगी और वहाँ से पत्थर लगाने होंगे। वैसे लगाई तो कभी नहीं है, पर ट्राई करते हैं, क्योंकि पठाले भी कभी नहीं लगाई थी, वो भी अच्छे से हो गई थी और इसको भी अब ट्राई करते हैं। बाकी अपनी लेबर अपने साथ, ये रही भाई। सबसे ज़्यादा मुश्किल है इतने जो बड़े बड़े पत्थर हैं ना, इनको यहाँ तक पहुँचाना। अभी पहले तो हम लोग यहाँ पे दीवार वगैरह लगा रहे हैं, क्योंकि जो पठाल वगैरह का काम था ना वो ऑलमोस्ट सारा ख़त्म हो गया है। और अब जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको नीचे से जैसे चौकड़ी तैयार करते हैं ना, नीचे थोड़ा गहरा खोद दिया है, वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर लगाएंगे, ऊपर से छोटे छोटे लग जाएंगे। और साथ में धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई, तो गर्मी से इतने बुरे हाल हैं, क्या बताएं। और साथ में ये मिर्च का पौधा भी टूट गया है अभी, और इस पे देखो कितनी सारी मिर्चें लग रही थी। इधर के साइड जितने भी ये फूल दिख रहे हैं ना वाइट वाइट, यहाँ पे मिर्च लगनी थी। इनके करीब 12 बज चुका है, अब मैं भी निकलता हूँ घर के लिए। बाकी थोड़ा बहुत तो कंप्लीट हो गया है, बाकी जो बचा है उसको शाम के टाइम पे कर लेंगे। मैं क्यों लाऊंगा, मैं थोड़ा ना लाऊंगा, मैं क्यों लाऊं, थोड़ा तोड़े मैं नहीं लाऊंगा।
और 3 दिनों की मेहनत अब जाके ये पूरा काम कंप्लीट हुआ है और कुछ इस टाइप से इसको बना दिया है। वैसे मुझे नॉलेज तो नहीं था, पर जैसा तैसा करके इसमें जो पठाले वगैरह थी, खलूट वगैरह थे, वो लगा ही दिए। और मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छे तरीके से ना ये पठाले लग जाएंगे, पर फाइनली लग चुकी हैं। और इन चीज़ों से पता चलता है कि किसी भी काम को करने से पहले ना उसको जज नहीं करना चाहिए कि मेरे से होगा नहीं होगा, एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और वही चीज़ें मैंने करी और कुछ इस टाइप से लग चुकी हैं। और अब चलते हैं हम लोग भी यहाँ से। और कल का काम पता क्या है, कल हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे जो बल्दी वगैरह है वो लगानी है, मतलब वो खड़ी करके उसका जो ढांचा है गौशाला का वो तैयार करना है, और बाकी जो टिन वगैरह है जब मिस्त्री आ जाएगा उसके बाद लगेंगे। वगैरह निपटाने के बाद मैं भी घर पे आ गया हूँ। बाकी अभी गुड़ वाली जो चाय है ना उसका आनंद ले रहा हूँ। बहुत टाइम बाद जो गुड़ वाली चाय है वो पीने के लिए मिल रही है। वैसे चाय तो डेली होती है, पर गुड़ वाली चाय का ना स्वाद ही कुछ अलग होता है। और बाकी यहाँ पे भाभी लोग भी आ रखे हैं, भाभी ने भी चाय पी ली। अभी 6:30 हो गया है और अभी तक हम लोग जो कंक्रीट वगैरह है थोड़ा बहुत वो तोड़ती थी। अभी ये लगी है कंक्रीट वगैरह तोड़ने पे, क्योंकि हमें यहाँ पे ना कंक्रीट चाहिए थी। अब डेली ऐसा चलता है, एक काम खत्म होता है दूसरा काम शुरू हो जाता है। अभी देखो सारी जगह जो धूप थी वो भी निकल चुकी है, कुछ ही देरी में अंधेरा भी होने ही वाला है। बाकी मैं आ चुका हूँ अपने सगड़े में और यहाँ से मुझे पता क्या निकालना है, ये जो बीन्स है अभी कच्ची बीन्स ये निकालनी है, और कुछ इस टाइप से बीन्स वगैरह हो रखी है। साग सगोड़े पे अगर खूब सारी मेहनत करो ना तो कुछ इस टाइप से जो सब्जियां हैं वो मिल जाती हैं। और इन जगहों पे देखो जो इनकी बेल है ना वो बिल्कुल छोटी सी है, और इन पे जो बीन्स वगैरह है वो खूब सारी लगी हुई हैं। ये देखो जैसे इसी को देख लो कितना छोटा है, और 2-4 दिन बाद ये भी ना निकालने के लिए हो जाएंगी। इन पे हतलके वगैरह ना लगाएं तो फिर कुछ ऐसा हाल होता है इनका, अगर इस पे हतलका लगा होता तो इसने सीधे ऊपर चले जाना था। अगर ये मिट्टी में रहेगा तो इस पे जो बीन्स वगैरह लगेंगी ना वो खराब हो जाएंगी मिट्टी में। पहाड़ों में जैसे ही शाम हो जाती है ना मस्त करके बिल्कुल सुनसान सा माहौल बना हुआ है, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं। बीन्स वगैरह अभी मैं लेके आया था, उनको अभी सब्जी के लिए तैयार करना है। अभी फिलहाल रात के लगभग 8 बज गया है, बाकी खाना पीना भी लगभग तैयार हो चुका है, सब्जी भी तैयार हो गई है। अब फिलहाल मैं भी लेता हूँ आप लोगों से विदा। होप आप लोगों को आज के वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपको एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ब्लेस्ड डे, गुड नाइट, बाय बाय।